बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली रूटीन विद मारिया। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आप पर, हम सब पर अपना करम फरमाए। जनाब, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बकरा ईद के अंदर दिन रह गए हैं सिर्फ 5। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई मंगल का दिन, और जनाब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो काम है मेरे सर पे। इतने पिछले कुछ दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, आपने देखा होगा मैंने 10-12 दिन वीडियो भी अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा नौजिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं बीजों की सफाई कर रही हूँ। ये गर्मी के बीज हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मैं लेकर आती हूँ जिसके अंदर से अच्छे बड़े बीज निकलते हैं तो मैं ज़रूर साफ़ करके अपने बच्चों को खिलाती हूँ। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, दोनों को ही बहुत पसंद है, और अब जो सबसे छोटी वाली है अबीर, वो भी बहुत शौक़ से खाती है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि मतलब इनको साफ़ करके ना पानी से पहले इनको मसल लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये बीज अलग हो जाता है, इनका रेशा अलग हो जाता है, फिर ऊपर से जब पानी इसमें डालो तो ऊपर बीज आ जाते हैं, रेशा नीचे चला जाता है। फिर मैं इनको इस तरीके से ऊपर से निकाल के अलग बर्तन में डाल लेती हूँ, फिर दोबारा से पानी से धोकर सुखा लेती हूँ। और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए तकरीबन हर तरह का बीज बहुत अच्छा होता है। चाहे वो आप सनफ्लावर बीज ले लें, या आप पम्पकिन सीड्स ले लें, या ये गर्मे के बीज ले लें, या कोई भी, जैसे खरबूजा भी अगर आता है ना अच्छा वाला जिसके अंदर बड़े यानी अच्छे साइज़ में बीज होते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को शुरू से मैंने आदत डाली है, जब बीज वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होते तो मेरे बच्चे बलोचिस्तान ड्राई फ्रूट जाके वहाँ से अपने लिए पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स लेकर आते हैं। तो खैर जी, मैंने अभी बीज साफ़ किए हैं, इस तरह से पानी में डाल दिए इनको अच्छी तरह से, बस मैंने अब इनको धोना है और सुखा लेना है। अच्छा जी, तो आज सुबह फजर के बाद ही मैंने अपने फ्रिज और फ्रीज़र दोनों ही जो है ना वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए थे और दरवाज़ा इस तरह से खोल दिया था। तो मैं चूँकि इसमें लगाती हूँ ना ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की वजह से ये बहुत ही इजीली जो है ना इसकी बर्फ़ ना मतलब निकल जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कैसे निकलती है। अच्छा, कुछ लोग हंस रहे होंगे कि शायद मैं बकरा ईद का गोश्त सेव करने के लिए जो है ना वो फ्रीज़र फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में क्या होता है ना कि जब अभी हमारे पास गोश्त आता है ना, हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। अगर हमने फ्रीज़र वगैरह पहले से साफ़ किया हुआ होता है ना, तो आगे आने वाले 3 से 4 महीने हमारे जो गोश्त या कोफ्ते, कबाब, जो भी चीज़ पड़ी हुई होती है ना, वो मतलब हमारे पास सेव रहती है। अगर हम बीच में फिर निकालते हैं इसके लिए, तो फिर आपको पता है मसला होता है, फिर वो सब चीज़ें डिफ्रॉस्ट होती हैं। खैर, मैं तो ग्लिसरीन लगाती हूँ और ये आप देख रहे हैं कि ये है कमाल ग्लिसरीन का। मुझे इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आप बताएं कि ग्लिसरीन से क्या होता है। ग्लिसरीन से मेरे दूसरे चैनल पर मेरे फ्रीज़र ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है, यहाँ पर मैं उसका लिंक नीचे दूंगी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इतना ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ग्लिसरीन आपने लगाई उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये देखिए जनाब, ये फ़ायदा होता है, आप देख रहे हैं कि फ्रीज़र की जो नीचे की चादर है ना, उसके साथ बिल्कुल भी बर्फ़ जुड़ी हुई नहीं है। और ये बटर नाइफ है मेरे हाथ में, ज़रा सा मैं इसको टच करती हूँ तो वो पूरा जो है ना टुकड़ा बर्फ़ का आ जाता है मेरे हाथ में। खैर जी, सारी बर्फ़ मैंने निकाली है और ये देखिए, आपके कभी आपने नहीं देखा होगा कि फ्रिज की बर्फ़ इतनी आसानी से और 2 मिनट में फटाफट से यूँ निकल जाती हो। तो ज़्यादा देर के लिए मैंने फ्रिज को बंद किया नहीं था, पानी पानी हुआ नहीं। जैसे ही मतलब फ्रिज गर्म होना शुरू हुआ तो एकदम से उसने बर्फ़ सबसे पहले छोड़ दी, तो मैंने पूरे पूरे टुकड़े आपके सामने बर्फ़ के निकाल के ना उसको फेंक दिए। ये फ़ायदा था मुझे ग्लिसरीन का। उसके बाद मैंने इसके अंदर पूरा ना बर्तन धोने वाले साबुन से फॉर्म के साथ मैंने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से साबुन लगा लिया। अब ये मेरे पास बिल्कुल खुश्क टॉवल है, इस टॉवल के साथ ना मैं पूरे फ्रिज को अंदर से ना वो जो साबुन मैंने लगाया ना वो साफ़ करूँगी। जब एक दफ़ा मैंने वो साफ़ कर लिया ना, अब इसी टॉवल को धोकर मैंने इसके अंदर ये गीला टॉवल लगाना है। 2 दफ़ा मैं इसमें गीला टॉवल लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी। तो फ्रिज जितनी देर में जो है ना वो ड्राई हो रहा है, फ्रिज के ऊपर वाला खाना, नीचे वाला खाना मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने भी यहाँ पर खाली नहीं किया है क्योंकि वो हर 2 से 3 दिन के बाद साफ़ होता रहता है। साथ साथ मैं उसमें कपड़ा फेर लेती हूँ, साथ साथ मैं उसकी सफाई कर लेती हूँ, जब फल फ्रूट वगैरह रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस हिसाब से ना। तो अभी मैंने ना ऊपर वाले फ्रिज की ये जो उसके अंदर से मैंने सामान निकाला है उसको वॉश करना है, बर्फ़ के प्याले धो लेने हैं, आइस क्यूब ट्रे वगैरह सारे धो लेने हैं।
तो मेरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो यहाँ पर मैं ले आई हूँ आपको दिखाने के लिए, ये ग्लिसरीन है जनाब। और ग्लिसरीन जो है ना, मैंने जब से ज़ुबैदा आपा का टोटका देखा था ना, उन्होंने बताया था बकरीद से पहले, किसी ने उनसे सवाल किया था, उन्होंने बताया था कि ग्लिसरीन लगाएं तो आपका फ्रिज भी कभी भी ख़राब नहीं होगा। और यकीन जानिए कि मैंने जब से ग्लिसरीन लगाना शुरू की ना अपने फ्रीज़रों में, तो मेरी तो ज़िंदगी जैसे ना आसान हो गई है। फटाफट से जो है ना फ्रीज़र साफ हो जाते हैं, कोई लंबा चौड़ा वो चक्कर नहीं है कि इनको हमने छोड़ना है और फिर बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करना है, नहीं जी, फटाफट से फ्रिज साफ़ होते हैं। अच्छा जी, तो आपने देखा मैंने नीचे ग्लिसरीन डाला और इसको हाथ से मसल दिया ना। पहले मैं ब्रश से लगाती होती थी, लेकिन मैंने देखा कि ब्रश से लगाने से ना पता नहीं चलता कि ग्लिसरीन कहाँ लग गई कहाँ नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ना, ब्रश में से ग्लिसरीन ख़त्म हो जाती थी, मैं उसको फेरती रहती थी, वो वैसे ही ऐसे ना मतलब पानी पानी हो जाता था, लेकिन ग्लिसरीन नहीं लगती थी। फिर मैंने देखा कि मैं ना हाथ से अगर लगाती हूँ ज़्यादा अच्छे से लगती है। तब मैं इस तरीके से ना पूरे चारों तरफ, इसकी साइडों पर भी, इसकी ख़ास तौर पर जो इसकी बैक साइड है ना, उस पर बहुत अच्छे तरीके से, छत पर बैक साइड पर बहुत अच्छे तरीके से एक थिक अमाउंट में जो है ना ग्लिसरीन लगाती हूँ। तो ये खाना जनाब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मेरी बेटी के प्रिंस फिंगर्स पड़े हुए हैं, साथ मैंने क्यूब्स रखे हैं। आपने देखा मैंने आइस क्यूब किस तरह से रखे हैं, मैं हमेशा से आइस क्यूब को ना ट्रे के अंदर रखती हूँ। और ये जो दूसरे पिंक वाले आइस क्यूब की ट्रे आपको नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर ढक्कन है, तो ये मतलब एक के ऊपर एक आराम से आ जाती है। नीचे वाले खाने में बर्फ़ के बॉल रखें, वैसे बर्फ़ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये होता है कभी मोहल्ले से कोई आ जाता है कि बर्फ़ दे दें, ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो अब मैंने अपनी सफाई शुरू करनी है फ्रीज़र वाले खाने की, यानी जो मेरा डीप फ्रीज़र है उसकी सफाई जो है ना मैंने स्टार्ट करनी है। तो मैंने सबसे पहले इसको खाली करना है, साथ ही आप देखेंगे कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है। तो ये देखिए जनाब, ये है जी घर का बना हुआ मक्खन, और ये मैंने ख़ुद बनाया था। ये इसको ख़ास तौर पर दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा ये सवाल करते थे ग्लिसरीन लगाने का क्या फ़ायदा है ना, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्लिसरीन का क्या फ़ायदा है। आपके सामने बटर तक अब तक जो है ना वो मेल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा मकसद होता है चीज़ों को डिफ्रॉस्ट होने से बचाना। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़र बंद होगा, चीज़ें बाहर निकलेंगी, उतना ज़्यादा जो है ना वो मसला होगा, चीज़ें डिफ्रॉस्ट हो जाएंगी। डिफ्रॉस्ट होने से बचाना होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़े एक चीज़ को डिफ्रॉस्ट किया फिर आपने उसको दोबारा से यानी बर्फ़ जमा ली उसमें ना, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे 2 मिनट के अंदर जो है ना ये फ्रीज़र मेरा साफ़ हो गया, यानी कि बर्फ़ एकदम से पूरे पूरे टुकड़ों की सूरत में उतर गई। अब मैंने फ्रीज़र के अंदर से ना सारी बर्फ़ निकाल ली है, उसके बाद मैंने इसके अंदर उसी तरीके से पहले साबुन वाला यानी बर्तन धोने वाले फॉर्म के साथ मैंने अच्छे तरीके से इसकी सारी सफाई की है, उसके बाद फिर मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया है, फिर मैंने इसके अंदर गीले कपड़े फेरे हैं, फिर ये जो सामने वाली जगह थी, इसका दरवाज़ा था पूरा, मैंने इसका इस हिस्से को भी साफ़ किया है, साइडों पे जो गंदगी लगी हुई थी यानी डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, या कभी कोई चीज़ निकालते रखते वक्त कभी कोई इस तरह मतलब कुछ गिर गया तो उसमें जो है ना मतलब थोड़ा सा फ्रीज़र गंदा हो जाता है। अब बस मैंने मतलब वही उसी प्रोसीजर पर मैंने फ्रीज़र की सफाई की है, अब मैंने इसके अंदर फिर से ना उसी तरह ग्लिसरीन लगानी है। इस फ्रीज़र के अंदर ना मैं थोड़ी सी थिक लेयर देती हूँ ग्लिसरीन की, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं ऊपर से पूरी हूँ इसमें पोर करती हूँ ग्लिसरीन को, और फिर जो है ना इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ना इसकी पूरी चादर के ऊपर ग्लिसरीन को अच्छे तरीके से फैला देती हूँ। और आपने देखा है कहीं से, माशाल्लाह मेरे पास इतना अरसा हो गया इस फ्रीज़र को, कहीं से आपको नज़र नहीं आएगा कि मेरा फ्रीज़र की चादर डैमेज हुई हो, मेरी फ्रीज़र की चादर ख़राब हुई हो, कोई भी मसला आया हो, या कहीं से फट गई हो या कहीं से उखड़ गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बिल्कुल ऐसे है ना जैसे न्यू, क्योंकि मुझे कभी कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें खुरचने के लिए, कोई चीज़ ऐसे करके कि भाई मैंने इसकी बर्फ़ उतारनी है, फटाफट 1 मिनट के अंदर जो है ना इसकी बर्फ़ साफ़ हो जाती है। अब फ्रिज से निकले हुए जितने भी डब्बे थे ना फ्रीज़र से निकले हुए, उन सबको मैंने कपड़े के साथ एक दफ़ा बाहर से सुखाना है ताकि इनके ऊपर जो है ना बर्फ़ की लेयर ना बने। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाती हूँ ना, जब भी मैं कोई चीज़ फ्रीज़र में फ्रीज़ करती हूँ ना, तो अगर मैं उसको शॉपरों में फ्रीज़ कर रही हूँ तो हमेशा एक शॉपर से दूसरे के दरमियान में ना बिल्कुल बारीक सी लेयर ग्लिसरीन की लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि चने और लोबिया मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, मैंने अपनी ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वान्टिटी मैंने उसमें उसको ना मतलब नाप के शॉपरों में पैक किया हुआ है अलग अलग, तो उसमें मैंने जब रख रही थी मैंने एक के अंदर एक के ऊपर ग्लिसरीन लगाई, दूसरे के नीचे ग्लिसरीन लगाई, इस तरह से रखा, तो अब मुझे निकालने में इतनी आसानी है ना, बस डब्बा खोला और शॉपर पकड़ा तो शॉपर हाथ में आ जाता है।
अच्छा जी, तो फ्रीज़र ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, मटर का डब्बा आ गया है, उसके नीचे चनों और लोबियों का डब्बा आ गया है, काले बॉयल चनों का डब्बा आ गया है, और वहाँ पर नीचे उबले हुए कॉर्न्स का डब्बा आ गया है। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं साग और कुल्फे के डब्बे, उसके ऊपर करेले आ गए हैं, उसके ऊपर फ़िलहाल जो है वो बटर का शॉपर पड़ा हुआ है, यहीं पड़ा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ पर डब्बा आप देख सकते हैं कोफ्तों का आ गया। अब मैं जितने भी कबाब और शामी कबाब और चीज़ें बनाऊँगी ना, यहीं पर डब्बे इसके ऊपर लाइन वाइज रखती जाऊँगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ख़राब नहीं होगी। और ये जो शॉपर आपको नजर आ रहा है, ये टमाटरों का शॉपर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने नीचे भी आगे पीछे सब तरफ ग्लिसरीन लगाई हुई थी। सबसे नीचे मेरा कंपार्टमेंट है बीफ का, उसके ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है मेरा मटन का, इसके अंदर सारा मटन होता है मेरा। और आजकल जो है वो मतलब इतना ज़्यादा है नहीं मटन भी, और ये जो सबसे ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ना, ये चिकन का होता है, और चिकन आजकल इतनी कोई महंगी हुई भी है ना कि बिल्कुल ही मतलब मैंने मंगवाई ही नहीं है आजकल में चिकन ना। अभी मटन भी था मेरे पास, तो मैंने कहा कि इतना मंगवा कर भी क्या करना है, जब ज़रूरत होती है ना बस एज़ पर टू रिक्वायर्ड, मतलब किलो चाहिए दो किलो चाहिए, उस हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ। इरादा तो नहीं था इसकी रेफ्रिजरेटर वाली साइड साफ़ करने का, लेकिन जब मैंने इसको खोला ना तो अंदर कुछ हाल ही ख़राब किया हुआ था बच्चों ने, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अब मैंने उसी तरीके से ना एक दफ़ा साबुन, फिर तौलिया, फिर गीले तौलिए, इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैंने इसकी ना ऑर्गेनाइजेशन करनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया था जब उन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, तो चले आज आपको भी खाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा नीचे एक चौड़े वाला क्रेट, जिसके नीचे जो है ना वो आसानी से चीज़ें खड़ी की जा सकती हों। अच्छा, ये डब्बा है मेरी खजूरों का, और खजूरें मेरी मोस्ट फेवरेट, तो सबसे पहले इस डब्बे को मैं रखूँगी इसके अंदर, अच्छे तरीके से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको साइडों से ऊपर से अच्छी तरह साफ़ करूँगी, उसके बाद रखूँगी। उसके बाद है इसमें दक्कनी मिर्च और खुबानी का डब्बा, ये मैंने रख दिया यहाँ पर इस क्रेट के ऊपर। ये बॉक्स है मेरा अनारदाना, सूखी इमली और सूखे आलू बुखारों का। और मेरा घर क्योंकि मार्केट से, मैंने आपको बताया था पहले भी कि काफ़ी दूर है, आधा पौना घंटा जो है वो आने जाने के लिए चाहिए होता है बाइक या गाड़ी पर, तो फिर ना चीज़ें मंगवाने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं जब राशन वगैरह मंगवाती हूँ या लेने जाती हूँ तो इकट्ठा लाती हूँ। तो यहाँ पर ना ये वाला बॉक्स होता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो बाहर वाले फ्रिज में होती हैं, जो कम इस्तेमाल होती हैं वो अंदर वाले फ्रीज़र, यहाँ फ्रीज़र के फ्रिज में मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर आएगा ये बॉक्स। उसके बाद आ जाती हैं मेरी देसी घी के बाल्टियाँ। माशाल्लाह से देसी घी पूरी गर्मियाँ इतना इकट्ठा हो जाता है ना, 5-6-7 किलो तक हो जाता है। अभी भी इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन ना 3-3.5-4 किलो के करीब ना घी पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना मेरी देसी घी की बाल्टियाँ होती हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल नहीं होता ना, इस वजह से मैं इनको वहाँ नीचे करके रखती हूँ। हाँ, कभी किसी चीज़ में डालने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाता है तो फिर मैं उस हिसाब से ना इसको निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन वो यहाँ पर ना मैं इस क्रेट में नीचे, यानी एक इस क्रेट को रख के ना मैंने एक अपने लिए शेल्फ का काम बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाता। अच्छा जी, मेरे फ्रीज़र में ना यही एक बास्केट आई थी, बाकी पूरा फ्रीज़र ऐसे खाली था। अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना होता है और बड़ा सोच के करना होता है, क्योंकि छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहीं पर रखती हूँ ना इसी बास्केट में। तो नीचे आ गए ब्राउन चॉकलेट चिप, ऊपर आ गए वाइट चॉकलेट चिप्स, और उसके ऊपर आ गए स्प्रिंकल्स, साथ ही आ गए जी जायफल और जौतरी के डब्बे। बाहर जो है ना वो थोड़ी सी मैं अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है ना वो निकाल कर उसको पीस लेती हूँ, बाकी जो है ना मैं साबुत इसमें रख देती हूँ। ऊपर वाली बास्केट में ना ये बॉटल अगर खड़ी कर दूँ तो फ्रिज का ढक्कन सही तरह बंद नहीं होता, इस वजह से चॉकलेट सिरप की और कॉफ़ी की सिरप की बॉटल्स वहाँ नीचे मैं उसके ऊपर क्रेट के ऊपर रखती हूँ। साथ ही एक बॉक्स के अंदर मैंने चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर और पिज़्ज़ा चीज़ रख दी। एक बॉक्स खड़ा करके मैंने उसके अंदर ये मस्टर्ड पेस्ट वगैरह रख दिए हैं, साथ ही खोपरे का पैकेट आ गया है। ये मैंने केक वगैरह और हलवा बनाने के लिए मंगवा के रखा हुआ होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी बनाना पड़ जाता है। और फिर इसी के साथ जो है ना ये मेरा बॉक्स है जिसके अंदर किशमिश होती है, तो ये बॉक्स भी मैंने यहीं पर रखा होता है, क्योंकि बाहर नहीं रखती, बाहर वाले फ्रिज में नहीं रखती। तो ऊपर इसमें मैंने मुनक्का रखा हुआ है, नीचे मैंने इसमें किशमिश रखा हुआ है, और ये काबली पुलाव, कश्मीरी पुलाव या कोई भी हलवा वगैरह कुछ बनाती हूँ मैं, तो फिर उसमें मुझे जो है ना ज़रूरत पड़ता है, तो इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो मेरा बॉक्स है ना, इसके अंदर एक तो मेरी मतलब छोटी छोटी ये सारी बॉटल्स आती हैं, ये मैंने प्याज का पाउडर रखा है, साथ में ये चॉकलेट है, यानी कुकिंग चॉकलेट है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर आ जाती हैं अपना मलाई के डब्बे आ जाते हैं,
अच्छा जी, तो ये वो सॉस का डब्बा है जो हर वक्त मेरे पास रेडी रहती है, ऑल इन वन सॉस कह लें, द वन सॉस कह लें, या पिज़्ज़ा सॉस के अंदर कुछ अल्ट्रेशन करके जो मैंने एक सॉस अपने से एक रेसिपी बना के रेडी करके रखा होता है, वो सॉस का बॉक्स यहाँ आ जाता है। इसके साथ ही जी यहाँ पर आ जाती हैं मेरी कच्ची मूँगफलियाँ हैं मेरे पास, वो आ जाती हैं। और ये जो अब नीचे स्पेस है ना, इसमें हम पानी की बोतलें रख रहे हैं। पहले मैंने देखा था कई लोग पानी की बोतलें जो है ना वो फ्रीज़र के फ्रिज के दरवाजे में रखते थे ना, तो उससे ये होता है कि आपका दरवाज़ा लूज़ हो जाता है। फ्रिज के दरवाजे को बहुत हल्का रखना चाहिए, जो खड़ा वाला फ्रिज होता है ना उसको। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, मतलब ये मेरी चटनी आ गई है, मैंने इमली की चटनी बना के रखी होती है। छोटी बॉटल जो है ना वो नॉर्मल घर में यूज़ हो रही होती है, एक दो दिन बाद जब भी मतलब दही बल्ले या चाट या कोई चीज़ खा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, जो बड़ी बॉटल है ना वो यहाँ पर फ्रीज़र में रखी होती है मैंने। ऑर्गेनाइजेशन हुई यहाँ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना मैंने बस इसकी बाहर की जो बॉडी है ना उसको पूरा साफ़ करना है अच्छे तरीके से। और जितना भी साफ़ कर लेती हूँ ना, ये फिर एक आध दिन में गंदा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट भी ना बहुत ज़्यादा आती है। किचन की खिड़की खुली हुई होती है तो उसमें से ना फिर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फ्रीज़र साफ़ करने के बाद एक तो मैं काफ़ी थक गई थी, फिर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने फटाफट से बनाया आलू अंडे का सालन। और फिर रात में मैंने जो आज कुकिंग की थी वो थी बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस। और ये रेसिपीज़ आपको मैं अब जो है ना बाद में दे दूँगी, या फिर शाम में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं अब मज़ीद वीडियो बनाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपसे देख ही नहीं जाएगी इतनी लंबी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।